हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक अगेन इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। माय सेल्फ डॉक्टर राकेश शर्मा। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। और इस वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको जो प्लस टू का सेकेंड चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसी रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। मैंने आपको बच्चों माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पिछली वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने ये टॉपिक कराया है, लेकिन उससे जो अगला वाला पार्ट आता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मीनिंग यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो जो माइक्रोस्पोर मदर सेल से जो पोलन ग्रेन्स बनते हैं किसके अंदर, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। तो वो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जब पोलन ग्रेन्स बनते हैं तो वो किस तरह से फिर बाहर निकलते हैं, यानी कि उनका जो डहिसेंस है, जो एंथर का डहिसेंस कैसे होता है, और जो पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर है वो किस टाइप की होती है, इनकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और जो इनकी वायबिलिटी है या जैसे कहते हैं फेट ऑफ पोलन ग्रेन्स कितने होते हैं। तो आज हम बच्चों आपको इस वीडियो के माध्यम से जो उसी टॉपिक का अगला रिमेनिंग पार्ट है वो कराने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो समझाने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर, माइक्रोस्पोर्स कैसे रिलीज होते हैं यानी कि डहिसेंस ऑफ एंथर, और जो उसकी इम्पोर्टेंस है और जो उसका फेट है ये हम बताने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, हमने जो आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि जो ये पोलन सैक होते हैं, तो पोलन सैक का हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था किस तरह से पोलन सैक या माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप करते हैं, और फिर उस माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स मियोटिकली जब डिवाइड करती हैं तो उनसे क्या बनते हैं, माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। तो अब जैसे जैसे मान लीजिए किसी फ्लावर का जो एंथर है यानी कि जो स्टेमन के अगला जो पार्ट है जिसको हम एंथर कहते हैं, तो बच्चों जैसे जैसे किसी भी फ्लावर का स्टेमन और उसका एंथर कैसे होगा, यानी कि वो ड्राई अप होता चला जाता है। जैसे मानो सपोज ये एंथर है और जैसे जैसे मानो ये डेवलपमेंट इसके अंदर हो गया और ये जब ये मैच्योर होगा यानी कि एक तरह से परिपक्व हो जाता है पूर्ण रूप से, तो ये ड्राई अप होने लग जाते हैं यानी कि ये धीरे धीरे सूखने लग जाते हैं। तो जो इसकी सेल्स होती हैं, अभी जैसे मैंने बताया जब आप इसको अंदर से देखते हो तो इसके अंदर क्या थे कि एक एंथर की जो लोब है उसमें कितने होते हैं, दो माइक्रोस्पोरेंजियम डेवलप होते हैं। और क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उन प्लांट के अंदर जो एंथर होता है वो डाइथीकस होता है, तो जो डाइथीकस एंथर होगा उसमें चार, मैंने आपको पिछली ट्यूब में भी समझाया था जो हमारी वीडियो थी उस वीडियो में भी हमने बताया था कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं वो चार होते हैं। तो जब ये चार माइक्रोस्पोरेंजियम हैं तो इन्हीं चारों माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स डेवलप करते हैं। जब ये माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या आता है, फिर यहाँ से ये स्टार्ट होता है डहिसेंस ऑफ एंथर। तो कैसे डहिस करता है एंथर, तो जो एंथर की डहिसेंस है यानी कि फटना, डहिसेंस से मीनिंग होता है उसका ब्रस्ट होना यानी कि उसका ब्रेकअप करना, टूट जाना। तो जैसे जैसे ये एंथर मेच्योर होता चला जाएगा बच्चों, तो जो इनकी सेल्स होती हैं, जैसे हमने बताया था जो अंदर की सेल्स हैं कि जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, ये इस माइक्रोस्पोरेंजियम में बाहर की लेयर मैंने आपको बताई थी कि कौन सी होती है, एपिडर्मिस, उसके नीचे क्या होती है, एंडोथीसियम, और एंडोथीसियम के नीचे की दो या तीन लेयर मिलकर बनाती हैं मिडिल लेयर, और उसके नीचे की जो सेल्स होती हैं उनको कहते हैं टेपिटम। तो बच्चों जब ये जो एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं, जैसे जैसे ये मेच्योर होता चला जाएगा एंथर, तो इसकी जो एंडोथीसियम की सेल्स होती हैं ये कैसी होती हैं, इनमें फाइब्रस थिकनिंग होती है और थिन वॉल्ड होती हैं। तो ये थिन वॉल्ड होने के कारण जैसे जैसे मेच्योर हो रहा है तो ये ड्राई अप होने लगती है यानी कि सूखनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इनकी जो सेल्स हैं इनमें डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाता है, जो पानी है वो धीरे धीरे यानी इनका रिमूव हो जाता है और ये ड्राई हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये ड्राई होती रहेंगी तो इनमें जो मेनली सेल्स होती हैं एंडोथीसियम की क्या बनाती हैं, जो स्टोमियम यानी कि लाइनिंग्स बनाती हैं, जहाँ से मेनली क्या करते हैं जो पोलन ग्रेन्स हैं वो रिलीज होते हैं। तो क्या होगा बच्चों, जो नीचे की लेयर हैं, जैसे मान लीजिए टेपिटम की सेल्स की जो लेयर थी वो एब्जॉर्ब हो जाती है ड्राई होके, और जो मेन यानी कि जो बाकी की सेल्स हैं वो श्रिंक करना स्टार्ट हो जाती है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन यानी जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो जाती है, वो सिकुड़ जाती हैं। तो उनके सिकुड़ने से क्या होगा कि जैसे जैसे एंडोथीसियम की सेल्स और जो टेपिटम की सेल्स जब ये हटेंगी तो इनमें एक पैसेज बन जाता है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी पैसेज को हमने लिखा है स्टोमियम, यानी कि धीरे धीरे स्टोमियम बन जाएगा। और जो अंदर की यानी कि जैसे कहते हैं दो ये
पोलन सैक हैं एक लोब के अंदर, इसी तरह से दूसरी लोब के अंदर भी ये दो पोलन सैक होते हैं, और ये दो दो पोलन सैक्स हैं इनको जो जोड़ने वाली वॉल होती है बच्चों, इंटरमीडिएट जैसे कहते हैं वॉल इन बिटवीन टू पोलन सैक, ये कैसी हो जाती है, ये डिसइंटीग्रेट हो जाती है, और जैसे जैसे ये डिसइंटीग्रेट होगी तो ये दोनों चैम्बर फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूज होने के बाद यानी दोनों सैक एक दूसरे के साथ जैसे ही फ्यूज करते हैं तो एक कॉमन चैम्बर बना लेते हैं, जैसे अब ये एक ही कॉमन चैम्बर बन गया बच्चों, इसी तरह से एक कॉमन यानी कि जो बाइथीकस एंथर होता है उस बाइथीकस एंथर के अंदर अब केवल कितनी लोब पाई जाती हैं या ये कितने चैम्बर होते हैं, ओनली टू चैम्बर्स यानी कि दो चैम्बर होते हैं, और उन दोनों चैम्बर क्योंकि बीच का जो पार्टीशन था वो डिजॉल्व हो गया, अब जैसे जैसे ये डिजॉल्व हो जाता है तो जो पोलन ग्रेन्स बने हैं वो सारे के सारे इंटरमिक्स हो जाते हैं, यानी कि वो चैम्बर में घूमने लगते हैं या फ्लोइट करने लगते हैं, और जो ये एंडोथीशियम्स की जो सेल्स होती हैं जैसे जैसे ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे ये सिकुड़ेंगी तो इनके कारण क्या है, एक यहाँ से ये पैसेज बन जाएगी, क्योंकि अंदर की साइड जैसे कहते हैं ये क्या करती हैं कंस्ट्रिक्ट करती हैं टू इनसाइड, और ये जो स्टोमियम बनेगा तो ये इस लाइनिंग से क्या करते हैं स्टोमियम से ये पोलन ग्रेन्स बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो जब भी कोई पोलन ग्रेन्स इसमें से निकलते हैं बच्चों तो ईच पोलन ग्रेन, अगर हम पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखें तो एक पोलन ग्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसमें क्या है कि उसकी मैंने पहले उसमें भी बताया था पिछली वाली वीडियो में भी बच्चों कि ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं पोलन ग्रेन्स के दो लेयर पाई जाती है पोलन ग्रेन्स के अंदर, एक तो बाहर की लेयर होती है और एक होती है अंदर की लेयर, और एक वेल प्रोमिनेंट इसके अंदर न्यूक्लियस होता है विद यानी कि साइटोप्लाज्म, तो जो बाहर की लेयर होती है ये बाहर की लेयर बहुत थिक वॉल होती है, और थिक वॉल बीच बीच में कहीं कहीं पर इंटरप्शन हो सकती है, कहीं कहीं पर थिन वॉल हो सकती है, तो जहाँ पर ये थिन वॉल होगी हम उसके लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं क्या, उसी को हम जर्म पोर का नाम देते हैं, ये जर्म पोर यानी कि जैसे कहते हैं ये जर्म पोर हैं, इन्हीं को हम माइक्रो या स्कल्पचर का भी नाम दे सकते हैं, ये माइक्रो स्कल्पचर्स होते हैं, तो कोई भी अगर आप माइक्रोस्पोर को देखोगे माइक्रोस्कोप में तो मोस्टली ज़्यादातर ये ग्लोबूस शेप में होते हैं, बट मे बी इसके अलावा भी जैसे किसी दूसरी शेप में भी हो सकते हैं, और इनकी शेप जैसे कोई राउंडेड भी हो सकती है, स्फेरिकल भी हो सकती है, या और दूसरी किसी शेप में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है जैसे अलग अलग जो फैमिली के प्लांट होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी जो शेप है वो अलग अलग टाइप की हो सकती है, तो जब ये डहिसेंस हो जाएगा तो ये पोलन ग्रेन्स ये कैसे बाहर निकलते हैं, तो जब ये बाहर निकलते हैं तो मोस्टली जो ये पोलन ग्रेन्स जब बाहर निकलते हैं किसी एंथर से तो ये दो सेल स्टेज में होते हैं या तो, और या फिर थ्री सेल स्टेज में बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो दो सेल से मतलब क्या होता है कि जो इनका न्यूक्लियस है ये न्यूक्लियस यहीं पर यानी कि क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट हो जाता है वो इन सिचू है, यानी कि पोलन ग्रेन्स का जो डेवलपमेंट है यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट बनते हैं वो इसी पोलन सैक के अंदर ही बन जाते हैं, तो जो डेवलपमेंट पोलन सैक के अंदर इनमें पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं प्रीकॉशियस डेवलपमेंट या इन सिचू डेवलपमेंट, तो जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उन एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो यानी कि पोलन जो सैक होते हैं उन पोलन सैक के अंदर से स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको प्रीकॉशियस टाइप का डेवलपमेंट कहते हैं, तो जब ये डेवलपमेंट होगा तो उस डेवलपमेंट में या तो दो सेल स्टेज बनेगी इसमें या फिर थ्री सेल स्टेज, यानी दो सेल से मतलब है एक सेल उसमें कौन सी होती है वेजिटेटिव सेल होती है और या इसी को हम कहते हैं ट्यूब सेल, और दूसरी जो सेल होती है उसको जेनरेटिव सेल कहते हैं, ये जो जेनरेटिव सेल है अब ये जेनरेटिव सेल अगर मान लीजिए दो ही सेल हैं वेजिटेटिव और जेनरेटिव तब ये हम उसको कहते हैं टू सेल स्टेज, और यदि बाय चांस जेनरेटिव सेल का भी जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली डिवाइड करके एक और सेल बना ले यानी कि जेनरेटिव सेल अगर डिवाइड कर दे तो दो मेल गैमेटोफाइट बना सकता है, तो जो दो ये मेल गैमेटोफाइट बनेंगे इसके अंदर ये दोनों मेल गैमेटोफाइट प्लस एक वेजिटेटिव सेल इनको मिला के बच्चों क्या हो जाती है ये थ्री सेल स्टेज, तो जो मेजोरिटी ऑफ जो प्लांट होते हैं वो ज़्यादातर मेले जैसे अगर हम देखें 60-70% जो प्लांट होते हैं वो टू सेल स्टेज में अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, और उसके अलावा जो रिमेनिंग यानी कि प्लांट होते हैं लगभग यानी कि 30% जो प्लांट होते हैं या 40% जो प्लांट होते हैं 40-30%, तो उन प्लांट में हम क्या देखते हैं उनके पोलन ग्रेन्स थ्री सेल स्टेज में निकलते हैं, तो ये टू सेल या थ्री सेल स्टेज है,
तो जब ये थ्री सेल और टू सेल स्टेज बनती है तो उसमें ये सेल पाई जाती है, वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल टू सेल स्टेज में, और वेजिटेटिव सेल्स और उनके दो मेल गैमेटोफाइट बन जाते हैं जेनरेटिव सेल से, तो इसको कहते हैं थ्री सेल स्टेज। और इसके अलावा इसमें क्या होता है, जो मेन लेयर है जैसे बाहर की लेयर एक्साइन है और अंदर की लेयर को हम इंटाइन कहते हैं। ये इंटाइन है जो मेली पेक्टोसेलुलोजिक होती है इंटाइन, और बाहर की जो एक्साइन है ये थोड़ी थिक वॉल होती है, रेजिस्टेंट होती है, क्योंकि जो मैंने पीछे बताया था पिछली वीडियो में भी बच्चों कि जो टेपिटम की सेल्स होती हैं वो कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करते हैं जो आपस में मिलके वो केमिकल जैसे स्पोरोपोलिनिन है, यूबिस बॉडी है, वो इसकी इस लेयर को बनाते हैं, इसको थिक करते हैं, और इसी थिक लेयर के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं एक्साइन। तो जब ये यानी कि पोलन ग्रेन्स निकलता है, वैसे पोलन ग्रेन को अर्ली स्टेज में देखोगे तो एक पोलन ग्रेन में एक सिंगल न्यूक्लियस होता है, वेल प्रोमिनेंट उसका न्यूक्लियस है। लेकिन अभी मैंने बताया कि ये निकलने से पहले पोलन ग्रेन्स का डेवलपमेंट पोलन सैक के अंदर ही स्टार्ट हो जाता है और वो थ्री सेल या टू सेल स्टेज में रिलीज होते हैं। तो इनके रिलीज होने को हम क्या कह रहे हैं डेहिसेंस ऑफ एंथर, यानी कि ये एंथर का फटना। तो एंथर कैसे ब्रस्ट करता है, क्योंकि जैसे जैसे एंथर ड्राई अप होता रहेगा, जो इसका स्ट्राइल पार्ट है जो मेनली जैसे कहते हैं एक तरह से ड्राई सेल्स होती हैं, वो सेल्स श्रिंक कर जाती हैं क्योंकि उनमें डिहाइड्रेशन हो रहा है, और श्रिंक करने के कारण उसमें ग्रूव बन जाती है और वो ग्रूव से यानी कि पोलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं। लेकिन जो प्रायर टू यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्रूव जो चैम्बर्स होते हैं यानी पोलन जो सैक्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करके एक चैम्बर बना लेते हैं, यानी एक लोब में क्या हो गए अब केवल एक ही चैम्बर रह गया, दूसरी लोब में क्या रह गया एक अनोदर चैम्बर हो गया, यानी कि पूरे के पूरे एंथर में केवल दो चैम्बर बन जाते हैं, और उन्हीं चैम्बर्स में स्टोमियम के थ्रू ये पोलन ग्रेन्स बाहर निकल गए। तो हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बच्चों, डेहिसेंस ऑफ एंथर। अब ये एंथर डेहिसेंस हो गया, स्ट्रक्चर समझ में आ गया कि एक जो पोलन ग्रेन्स होता है उसकी ये स्ट्रक्चर है कि ईच यानी कि पोलन ग्रेन्स अगर हम अर्ली स्टेज का देख रहे हैं तो वो कैसा होता है, यूनिन्यूक्लिएट है, एक सिंगल यानी कि हैप्लॉइड जो इसे कहते हैं न्यूक्लियस है उसके अंदर, बट वो तुरंत ही क्या करना स्टार्ट कर देता है, उसमें जो डिवीजन है डिवाइड करके उसका जो न्यूक्लियस है वो क्या बना लेगा, अगर आप एक पोलन ग्रेन्स को अगर मान लीजिए देखते हैं टू सेल स्टेज में थ्री सेल स्टेज में, तो इसके अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, और जब ये डिवाइड करेगा तो बच्चों इसके डिवीजन से क्या बनेंगी, इसके डिवीजन से दो न्यूक्लियाई बनते हैं, एक न्यूक्लियस मेनली क्या करते हैं थोड़ा साइटोप्लाज्म एक्वायर करता है, एक बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म को एक्वायर कर लेगा, इसलिए दो सेल बन जाएंगे इसके अंदर, एक जो लार्जर सेल होगी उसको वेजिटेटिव और जो स्मॉलर सेल्स होगी उसको हम कहेंगे कौन सी, जेनरेटिव सेल्स। तो ये एक स्ट्रक्चर है और उसका जो डेवलपमेंट होगा हम इसका भी आगे जो मेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप करते हैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। उसके बाद हम अभी पहले बताते हैं आपको, एक पोलन ग्रेन जब ये रिलीज करते हैं जब बाहर आते हैं एंथर से तो अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या हो सकती है। देखिए एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट होते हैं बच्चों उनके लिए तो इसकी इम्पोर्टेंस ही है, आप समझते ही हैं, क्योंकि बिना पोलन ग्रेन्स के कि जो फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट के अंदर ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं होगा, यानी कि जब तक ये बाहर नहीं आएंगे जब तक ये किसी अपने स्टिग्मा के ऊपर जो भी उसी फ्लावर का या उसी जाति के जो और दूसरे यानी कि जैसे कहते हैं फ्लावर होते हैं उनके स्टिग्मा के ऊपर तब तक ये नहीं जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस एक तो प्लांट के लिए तो है ही है, उनकी इंपॉर्टेंस प्लांट के लिए क्या हुई कि विदाउट यानी कि पोलन ग्रेन्स दे कैन नॉट फर्टिलाइज, यानी उनका फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस ह्यूमन बींग के लिए भी देखें तो बच्चों ह्यूमन बींग के लिए भी ये फ़ायदेमंद होते हैं और कभी कभी नुकसानदायक भी होते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए सपोज इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं बहुत ज़्यादा जब ये किसी प्लांट में से पोलन ग्रेन्स बाहर एयर के अंदर रिलीज होते हैं हवा में यानी कि निकलते हैं, तो जब हम इन पोलन ग्रेन्स को इनहेल कर लेते हैं बच्चों ये या हमारे सांस के द्वारा अंदर चले जाते हैं तो इन पोलन ग्रेन्स से हमको क्या हो सकती हैं कुछ बीमारियाँ हो सकती हैं, और उन बीमारियों को हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं या जैसे क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो सकते हैं, उसमें अस्थमा हो सकता है यानी हे फीवर हो सकता है या ब्रोंकाइटिस हो सकती है इस तरह की, जैसे या एलर्जी हो जाती है पोलन एलर्जी ये होती हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कभी कभी जब हम वीट की यानी गेहूं की कटाई करते हैं या गेहूं में जब बाल आती है तो उस बाल के आने पर यानी जब फ्लावरिंग होती है
तो उस टाइम कुछ पोलन ग्रेन्स इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और वो पोलन ग्रेन्स किसके होते हैं, वो पार्थीनियम नाम की एक जो है ग्रास होती है, घास होती है पार्थीनियम, जिसको हम कैरेट ग्रास भी कहते हैं। ये एक वीड है, खरपतवार है, और हमारे ज़्यादातर जैसे आपने देखा होगा गेहूँ के खेतों में ये घास बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जो कैरेट ग्रास होती है पार्थीनियम। और ये वैसे तो हमारा यानी कि जैसे कहते हैं इंडियन यानी कि प्लांट नहीं है, ये प्लांट बाय चांस हमको कहीं बाहर से आ गया। जैसे हमने कभी एक बार वीट को जो ना इंपोर्ट किया था किसी कंट्री से, लाइक अमेरिका जैसे देशों से हमने मंगाया था गेहूँ यहाँ, और उस गेहूँ के जो ग्रेन्स थे यानी जो वीट के सीड थे, उन्हीं के साथ ये जो कैरेट ग्रास है यानी कि पार्थीनियम का जो सीड है वो हमारे गेहूं के साथ आ गया, और ये अब आज हमारे यानी कि पूरे जो नॉर्थन इंडिया है हैं, तो इसमें पूरे जो भी यानी किसान अपने खेतों में गेहूं की फसलें बोते हैं उन्हीं के साथ ये ग्रास उग जाती है। और इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत यानी कि जैसे कहते हैं ह्यूज क्वान्टिटी में इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज होते हैं बच्चों, और जब हम उनको बाई चांस इनहेल कर लेते हैं तो यही पोलन ग्रेन्स हमारे अंदर जाके इनसे पोलन एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे जो लोग सेंसिटिव होते हैं जिनको एलर्जी बहुत जल्दी हो जाती है, तो पोलन ग्रेन्स एक बहुत ही जैसे कहते हैं एलर्जिन है, एक एलर्जिन केमिकल है, या एक एलर्जिन यानी जैसे केमिकल लाइक स्ट्रक्चर्स में हमारी बॉडी के अंदर हमको एलर्जी क्रिएट करता है, तो हम इसको एलर्जिन का नाम दे सकते हैं। और इससे ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा हो सकता है बच्चों को या बड़ों को, ठीक है, तो ये तो इसकी एक जैसे कहते हैं डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर हम और इसकी दूसरी देखें एडवांटेज में, इम्पोर्टेंस में, तो बच्चों क्या होता है, बहुत सारे पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं जो हाईली न्यूट्रिटियस भी होते हैं, यानी कि जिनमें न्यूट्रेंट्स होते हैं, तो हम इन्हीं न्यूट्रेंट्स का क्या करते हैं, इन्हीं न्यूट्रेंट्स को सप्लीमेंट के रूप में भी लेते हैं। जो बहुत सारे जैसे स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, इन न्यूट्रिएंट का उपयोग करके टैबलेट के रूप में लेते हैं, या फिर वो जैसे सिरप के रूप में लेते हैं, तो ये एक बॉडी का जो परफॉर्मेंस है, जो बॉडी की जैसे कहते हैं परफॉर्मेंस है, उसको इन्हांस करने में, उसको इंक्रीज करने में ये हेल्प करते हैं। तो इस तरह से बच्चों इनकी इंपॉर्टेंस है। जैसे या हॉर्स वाले जो ये रेसेस वाले हॉर्स होते हैं, जो हॉर्स हम देखते हैं जैसे घोड़े, आपने सुने होंगे जो घोड़े रेस के होते हैं, उनको भी हम इनकी जो टैबलेट्स होती हैं वो देते हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, तो इसकी एक इम्पोर्टेंस ये होती है पोलन ग्रेन्स। बहुत सारे लोग इनको एज ए सप्लीमेंट के रूप में यूज़ करते हैं, टैबलेट के रूप में यूज़ करते हैं, जो हमारे यानी कि रेस हॉर्सेज होते हैं उनको भी हम इनको यानी टैबलेट के रूप में देते हैं, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस है। दूसरा अगर हम बात करते हैं फेट क्या है पोलन ग्रेन का, यानी कि इनकी जो वाइबिलिटी है, आपने देखा होगा बच्चे वैसे अलग अलग होता है, कुछ प्लांट्स में अगर आप देखोगे जो जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वाइबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी क्रॉप है वीट है, या जैसे राइस है, तो वीट और जो राइस के पोलन ग्रेन्स होते हैं इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो केवल मात्र यानी जैसे कहते हैं 30 मिनट होती है, यानी कि जो आफ्टर 30 मिनट जैसे कहते हैं ये 30 मिनट के बाद क्या हो जाएंगे पोलन ग्रेन्स, ये नॉन वायबल हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो वाइबिलिटी है वो लॉस हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट हैं, कुछ ऐसी फैमिलीज हैं जिनके जो पोलन ग्रेन्स हैं रिलीज होने के बाद उनकी वाइबिलिटी अप टू मंथ तक हो सकती है, महीने तक भी हो जाती है। जैसे मानो रोजेसी फैमिली के प्लांट में अगर आप देखोगे, या जैसे सोलेनेसी जो फैमिली है उसके प्लांट की बात करोगे, तो या लेग्यूमिनेसी जो फैमिली के प्लांट होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनकी जो वाइबिलिटी है बच्चों वो लगभग यानी कि 1 मंथ तक हो सकती है। लेकिन अगर बाय चांस हमारे जैसे आजकल हम देखें जो साइंटिस्ट हैं या जो बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यानी कि पोलन ग्रेन्स होते हैं, अगर हम उनको लंबे टाइम तक वाइबल रखना चाहते हैं, तो आजकल एक टेक्निक यानी कि उन्होंने डेवलप की है जिसको हम क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है प्लांट ब्रीडर के लिए क्रायो प्रिजर्वेशन। जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, ये क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या होता है, ये लिक्विड जो नाइट्रोजन है, इस लिक्विड नाइट्रोजन को हम माइनस जैसे कहते हैं 196 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही लिक्विड नाइट्रोजन होती है, इसको कंटेनर्स वगैरह में हम भर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं जो लिक्विड नाइट्रोजन है, कौन सी कितने टेम्परेचर पे, -196 डिग्री 196 डिग्री माइनस में जो टेम्परेचर होता है इस लिक्विड नाइट्रोजन का, इसको बड़े बड़े कंटेनर्स में भर लिया जाता है। और उन कंटेनर्स में हम क्या करते हैं, उन कंटेनर्स में हम फिर जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं,
उन पोलन ग्रेन्स को या और भी जो हमारे यानी कि जो इम्पोर्टेंट मान लीजिए कोई वाइबल सेल्स हैं, अगर हम उनको प्रिजर्व करना चाहें तो हम उसमें प्रिजर्व कर सकते हैं। तो ये ऐसे एक हमारे पास तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम कुछ यानी कि पोलन ग्रेन्स को कुछ लंबे टाइम तक आप इनमें प्रिजर्व करके भी रख सकते हैं। तो ये इसका फिट है, यानी कि जो पोलन ग्रेन्स है बच्चे, तो ये पोलन ग्रेन्स ज़रूरी नहीं है कि भी सदा के लिए यानी कि एक तरह से बने रहेंगे। ये पोलन ग्रेन रिलीज होने के बाद एक तरह से इनकी जो वायबिलिटी है वो डिपेंड करती है प्लांट टू प्लांट। अलग अलग पौधों में इनकी वायबिलिटी अलग अलग हो सकती है। ये मैंने थोड़ा सा कॉमन से आपको बताया, जैसे मान लो राइस का है और जो वीट के हैं, इनके पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी अप टू 30 मिनट्स होती है। और जैसे मान लीजिए लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो प्लांट होते हैं, सोलेनेसी के होते हैं, या और जो जैसे रोजेसी फैमिली के प्लांट के जो पोलन ग्रेन्स हैं उनकी वायबिलिटी अप टू 1 मंथ हो सकती है। तो ये क्या हो गया बच्चों, ये एक तरह से हमारा डाइसेंस, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन्स, इसकी इम्पोर्टेंस और जो फिट है। तो ये आपको मुझे लगता है बच्चों समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी जो आने वाली वीडियो अगर बच्चों देखनी है तो उनको देखने के लिए, ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, तो बेल आइकन को दबाइए। और पिछली वीडियो को इनके साथ जोड़ना है, अगर आपको देखना है पिछली वीडियो भी देखनी है हमारी, तो उसके लिए आई बटन को क्लिक करिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद बच्चों।